स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंडियन इंग्लिश स्कूल फरकिया में। आज के इस वीडियो में हम आपको बिहार बोर्ड के क्लास 5 के ब्लॉसम इंग्लिश के लेसन नंबर 13 डे ड्रीम्स के बारे में बताएंगे और इसका जो है इंग्लिश टू हिंदी मीनिंग को समझाएंगे। तो दोस्तों वीडियो में शुरू से एंड तक कॉपी और कलम के साथ में बने रहें। जो वर्ड्स आपको मुश्किल लगेगा उसे आप नोट कर लें। डे मीन्स होता है दिन और ड्रीम मीन्स होता है सपना। डे ड्रीम दिन का सपना, ठीक है। ए बंगला फॉल्क टेल। ए मिस क्या होता है, एक बंगला मिस बंगला और फॉल्क मिस होता है लोक, क्या होता भाई लोक, और टेल मिस होता है कथा यानी कहानी। तो ए बंगला फॉल्क टेल, एक बंगला लोक कहानी, एक बंगला लोक कथा, ठीक है। वार्मर में क्या दोस्तों, What is day dreaming? क्या है day dreaming, मतलब होता है दिन का सपना, यानी दिन का सपना क्या है। How you ever had a day dream, क्या आपने कभी दिन का सपना देखा है। Have you ever had, had का माना यहाँ पर देखने का करेंगे, यानी have you ever had a day dream, क्या आपने कभी दिन का सपना देखा है। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द ड्रीम यू मे हैव एट नाइट, ठीक है। हैव हैड एट नाइट यानी हाउ मिस होता है कैसा, और इट मिस यह डिफरेंट मिस अलग, ड्रीम मिस सपना, और नाइट मिस क्या होता है रात। तो हाउ इज इट डिफरेंट, यह कैसे अलग है। हाउ इज इट डिफरेंट, यह कैसे अलग है फ्रॉम ड्रीम, उस सपना से। यू मे हैव हैड एट नाइट, जो तुमने रात में देखा है, यानी यह रात में जो तुमने देखा है उस सपना से यह कैसे अलग है। यानी दिन का सपना जो आप दिन में देखते हैं और रात में जो सपना देखते हैं, तो रात का और सपना और दिन का सपना दोनों में से मतलब कि कैसे अलग है, ठीक है, ये बताना आपको। शेयर योर डे ड्रीम, आपके दिन का सपना को साझा करो, यानी आप जो दिन में जो सपना देखे हैं उसको साझा करो विथ योर फ्रेंड, आपके दोस्त के साथ। शेयर योर फ्रेंड, शेयर योर डे ड्रीम विथ योर फ्रेंड्स, आपके दिन के सपने को तुम्हारे दोस्त के साथ में साझा करो, ठीक है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में नए हैं ना, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कह रहा है ए पुअर फैमिली लिव्ड नेक्स्ट डोर टू गोपाल भांड। देखिए पुअर मिस क्या होता है भाई, गरीब। फैमिली मिस परिवार, लिव मिस रहना, नेक्स्ट मिस क्या होता है अगला, लेकिन यहाँ पर करेंगे बगल यानी अगला, या फिर बगल यानी जो बगल मतलब क्या होता है, जैसे आपके घर के बगल में किसी का घर है वहाँ पर वैसे बगल के ना, मेरे बगल में ये है, मेरे बगल में ये बैठा है, तो यहाँ पर वहीं नेक्स्ट का माना बगल करेंगे। और डोर मतलब दरवाज़ा, गोपाल भांड यह नाम है, ठीक है। तो एक गरीब परिवार रहता था गोपाल भांड के दरवाजे के बगल में, ठीक है। बोथ द हस्बैंड एंड वाइफ वियर डे ड्रीमर्स, बोथ मतलब दोनों, हस्बैंड मिस पति और वाइफ मिस पत्नी, डे ड्रीमर ड्रीमर्स मिस होता है ख्वाब देखने वाला। तो कह रहे हैं कि बोथ द हस्बैंड एंड द वाइफ वियर डे ड्रीमर्स, दोनों पति और पत्नी दिन के ड्रीमर्स थे, यानी दिन के सपना वाले थे, ठीक है। वन डे एक दिन गोपाल ओवर हैड देम टॉकिंग ना, एक दिन गोपाल ने उन्हें बात करते हुए सुना। एक दिन वन डे एक दिन गोपाल ओवर हैड देम टॉकिंग, एक दिन गोपाल ने उन्हें बात करते हुए सुना। द हस्बैंड सेड, पति ने कहा, ठीक है। व्हेन आई गेट सम मनी, जब मैं कुछ पैसे, सम मिस होता है कुछ, मनी मने होता है पैसा, गेट मने प्राप्त करना, जब मैं कुछ पैसे प्राप्त कर लूँगा, आई एम गोइंग टू बी ए काउ, मैं एक गाय खरीदने के लिए जाऊँगा। ब्यू मिस होता है खरीदना, काउ मिस गाय, गोइंग मने जाना, ठीक है। द वाइफ सेड, पत्नी ने कहा, पत्नी ने कहा, आई मैं मिल्क द काउ, मैं गाय को दूध दूंगा। I'll have to get some pots. I'll have to get का माना यहाँ पर करेंगे मुझे खरीदने होंगे, क्या करेंगे मुझे खरीदने होंगे।
सम पॉट्स, कुछ बर्तन, कुछ घड़ा, कुछ बर्तन है ना, मुझे कुछ बर्तन खरीदने होंगे। द नेक्स्ट डे, अगला दिन, नेक्स्ट मीन्स अगला डे मीन्स दिन, अगला दिन। शी वेंट टू द पॉटर एंड बाउट पॉट्स, वह पॉटर के पास गई, पॉटर्स मिस होता है कुम्हार, वो कुम्हार के पास गई, पॉटर मिस होता कुम्हार, वो कुम्हार के पास गई एंड बाउट्स, बाउट पॉट्स और बर्तन खरीदे, बाउट मिस होता है खरीदना और पॉट्स मिस होता है बर्तन, और बर्तन खरीदे, ठीक है। द हस्बैंड आस्केड, पति ने पूछा, व्हाट डिड यू बियो, तुमने क्या खरीदा है, तुमने क्या खरीदा, बियो मिस होता है खरीदना, वो अच्छा, दिस ये सब, अच्छा ये सब, सम पॉट्स कुछ बर्तन, सम पॉट्स कुछ बर्तन, ठीक है। वन फॉर मिल्क, दूध के लिए, वन फॉर मिल्क एक दूध के लिए, वन फॉर बटर मिल्क एक झास के लिए, बटर मिल्क मिस होता है झास, झास के लिए, वन फॉर बटर एक मक्खन के लिए, एंड वन फॉर घी और एक घी के लिए, ठीक है। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट मिस यह बहुत अच्छा है, दैट्स ग्रेट मिस यह बहुत अच्छा है, ऐसे तो ग्रेट का माना महान होता है, लेकिन दैट्स ग्रेट यहाँ पर करेंगे, यह बहुत अच्छा है, ठीक है। बट लेकिन, वाट विल यू डू विथ दिस फिफ्थ वन, लेकिन इस पांचवे के साथ तुम क्या करोगे, लेकिन तुम इस पांचवे के साथ क्या करोगे, कह रहे हैं दैट इज फॉर सेंडिंग सम मिल्क टू माई सिस्टर, टू माई सिस्टर, यह है कुछ दूध मेरी बहन को भेजने के लिए, यह दैट मीन्स वह होता है, वह मेरी बहन को कुछ दूध भेजने के लिए है, ठीक है। सेड द वाइफ, पति पत्नी ने कहा, सेड मिस होता है कहना, सेमिस से सेड बना है, तो सेड द वाइफ, पत्नी ने कहा, व्हाट, क्या आश्चर्य हो गया, क्या सेंडिंग मिल्क टू योर सिस्टर, तुम्हारे सिस्टर को दूध भेजने के लिए, तुम्हारे सिस्टर को दूध भेजने के लिए। सिंस व्हेन ही हैज दिस बीन गोइंग ऑन विदाउट इवन आस्किंग मी, यह कब से बिना मुझसे पूछे ही चल रहा है, यह कब से बिना मुझसे पूछे ही चल रहा है। शाउटेड द हस्बैंड, पति ने चिल्लाया, शाउट माना होता है चिल्लाना, शाउटेड द हस्बैंड, पति ने चिल्लाया, यानी पति ने जो है कि यह बोल के चिल्लाया कि भाई ये कब से चल रहा है, ठीक है। एंड ही स्मैश्ड ऑल द पॉट्स इन एंगर, एंगर मिस होता है क्रोध, और स्मैश्ड मिस होता है तोड़ना, तो और उसने सभी घड़ों को गुस्से में, क्रोध में तोड़ दिया, और वो सभी घड़ों को गुस्से में तोड़ दिया। द वाइफ रेटोर्टेड, मिस होता है पत्नी ने जवाब दिया, रेटोर्टेड मिस होता है जवाब देना, पत्नी ने जवाब दिया। I take care of the cow, मैं गाय का देखभाल करता हूँ, and milk it, और इससे दूध लेता हूँ। I'll do what I wish with extra milk, मैं जो चाहे करूँ एक्स्ट्रा दूध के साथ में, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मिस होता है जो वर्ब हो जाता ना, मैं जो चाहे करूँ एक्स्ट्रा दूध के साथ में, विश मिस होता है इच्छा का, इच्छा यानी मेरा, जो मेरा इच्छा करे, जो मैं चाहूँ, है ना, इस तरीके से करेंगे। आई वर्क हार्ड, मैं कड़ी मेहनत करूँगा, मैं कड़ी मेहनत करूँगा, ऑल डे दिन भर, मैं दिन भर कड़ी मेहनत करूँगा। एंड बिव ए काव, और एक गाय खरीदूँगा। एंड यू गिव अवे द मिल्क टू योर सिस्टर, और तुम्हारे सिस्टर को दूध से दूर रखूँगा, ठीक है। गिव अवे मतलब दूर रखूँगा, है ना। आई विल किल यू फर्स्ट, मैं तुम्हें सबसे पहले मारूँगा, मैं तुम्हें सबसे पहले मारूँगा। रोयर्ट द हस्बैंड, पति ने दहाड़ा, पति ने दहाड़ा, एंड थ्रो सम पॉट्स एंड पैंस, और कुछ घड़े को, घरों को फेंका, और धूपदान को, यानी पैंस मिस होता धूपदान, और थ्रो मने होता फेंकना, पॉट्स मने घड़ा, और कुछ घड़ों और धूपदान को फेंका। आगे क्या कर रहा है, गोपाल कुड नॉट स्टॉप हिमसेल्फ एनीमोर, गोपाल ने खुद को और ज़्यादा नहीं रोक सकता, नहीं रोक सका, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया, ठीक है। ही वॉक्ड ओवर टू हिज नेबर्स हाउस एंड आस्केड, वो
अपने पड़ोसी के घर में पहुंचा, वह अपने पड़ोसी के घर की तरफ जो है चला गया एंड आस्केड और पूछा व्हाट द मैटर, क्या मामला है, व्हाट मिस क्या और मैटर मिस मामला, क्या मामला है। व्हाई आर यू थ्रोइंग पॉट्स, क्यों आप लोग घरों को फेंक रहे हैं एंड पेंस और धूपदान को अराउंड चारों तरफ, क्यों आप लोग घरों और धूपदान को चारों तरफ फेंक रहे हैं। दिस वोमेन इज गिविंग अवे द मिल्क फ्रॉम आवर काउ टू हर सिस्टर, यह औरत हमारे गाय के दूध से उनके सिस्टर को दूर रख रही है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। योर काउ, तुम्हारा गाय, गोपाल आस्केड, गोपाल ने पूछा। एस, हाँ, द ऑन आई एम गोइंग टू बी व्हेन आई हैव इनफ मनी, जिसे मैं खरीदने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू बी जिसे मैं खरीदने के लिए जा रहा हूँ, हाँ जिसे मैं खरीदने के लिए जा रहा हूँ। व्हेन आई हैव इनफ मनी, जब मेरे पास पर्याप्त पैसा हो जाएंगी। इनफ मीन्स होता है पर्याप्त, मनी मीन्स पैसा, जब मेरे पास पर्याप्त मनी, पर्याप्त पैसा हो जाएंगे। ओह अच्छा, डेट्स काउ, वो गाय, अच्छा वो गाय, सर गोपाल, गोपाल ने कहा। बट यू डोंट हैव ए काउ एट, लेकिन तुम्हारे पास अभी कोई गाय नहीं है। डू यू, डू यू मिस यहाँ पर करेंगे हाना, यानी है ना, मतलब तुम अभी, लेकिन तुम्हारे पास कोई गाय नहीं है, है ना, ऐसा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। द नेबर सेड, पड़ोसियों ने कहा, जस्ट वेट, रुको, जस्ट वेट मिस रुको, आई एम गोइंग टू गेट वन, मैं एक को लेने जा रही हूँ। ठीक है, वो रियली, वह वास्तव में, अच्छा सही में, है ना, वो रियली, अच्छा वास्तव में, सही में। नाउ आई नो हुज स्पॉइलिंग माई वेजिटेबल गार्डन, मैं जानता हूँ कि किसने मेरे बगीचे के सब्जियों को नष्ट किया है। इस पर ही बने खराब करना, नष्ट करना, नष्ट करना, है ना, मैं जानता हूँ कि किसने, हुज मिस किसने मेरे बगीचे के सब्जी को नष्ट किया है, ख़राब किया है। सेड गोपाल, गोपाल ने कहा। पिकिंग अप ए स्टिक, एक छड़ी को उठाया एंड पंचिंग, क्या है, पंचिंग ऑन हिज नेबर्स, और अपने पड़ोसी पर झपटा। पंचिंग मिस होता है झपटना, और अपने पड़ोसी पर क्या क्या झपटा। ठीक है, स्टॉप स्टॉप, रुको रुको, व्हाई आर यू बीटिंग मी, तुम मुझे क्यों पीट रहे हो, तुम मुझे क्यों पीट रहे हो, ऐसा किसने कहा, पड़ोसियों ने। बीटिंग मना होता पीटना। योर काउ एट माई बीन्स, तुम्हारा गाय मेरे फलियों को खाया है, ये फलियां, यानी बीन्स मिस होता है फलियां, मेरे फलियां का, फलियां एंड ककम्बर्स और खीरों को खाया है। यू डोंट यू टाई इट, तुम इसे क्यों नहीं बांधते, वाई डोंट यू टाई इट, तुम इसे क्यों नहीं बांधते। ठीक है, आगे देख लेते हैं। व्हाट बीन्स, कौन सा फलियां, व्हाट ककुम्बर्स, कौन सा खीरा, वेयर इज योर वेजिटेबल गार्डन, तुम्हारा सब्जी का बगीचा कहाँ है। द ऑन आई एम गोइंग टू प्लांट, एक मैं रोपने जा रहा हूँ। ठीक है, प्लांट मिस यहाँ पर करेंगे रोपना, मैं रोपने जा रहा हूँ। आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट इट, मैं इसके बारे में सोचा है फोर मंथ, महीनों से। एंड योर काउ हैज बीन डिस्ट्रॉइंग इट, और आपका गाय इसे बर्बाद कर रहा है, इसे नष्ट कर रहा है। द नेबर सडनली saw light, पड़ोसियों ने अचानक रोशनी देख लिया, रोशनी देखा। दे हैड ए गुड लव, वे उनकी हंसी अच्छी थी। ठीक है, उनकी हंसी अच्छी थी। तो दोस्तों वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग था। ये जो कहानी था, ये टोटल सपना में दिख रहा था और सपना में बताया गया है ये कहानी, इस तरीके का जो है कि क्या क्या हुआ, नहीं हुआ, हर चीज़ आपके सामने में है और हर चीज़ आपने देखा है। तो साथ में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर तो ज़रूर करें।